very great to teach you the use of rather and fairly. First of all, I want to tell you that these are adverbs. Understood? Let me explain the use of rather and then I will come to fairly. Rather is used with unfavorable thing or adjective or unlovable thing or adjective. And why fairly use favorable thing or lovable thing or adjective? Okay, let me explain in detail with some examples. Rather, for example, rather का हिंदी में आपको बता दूं कि rather का use जो है ऐसे चीजों के साथ, ऐसे adjective के साथ use करते हैं जो negativity को या जिनको हम पसंद, जिन्हें हमें पसंद नहीं करते हैं. For example, देखिएगा, it is rather cold. It's rather hot. Or she is rather ugly. Understood? Or it is rather awkward. Understood? तो ये देखिए ना, rather is cold, hot, ugly, awkward, इनके सब के साथ हमने क्या यूज किया? Rather. मतलब स्पीकर को जब वो चीज पसंद नहीं हो तब वो rather का यूज करेगा उन एडजेक्टिव के साथ. सिंपल बात ही है. इट इज rather cold. ओह बहुत कोल्ड, मालूम मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है, मुझे कोल्ड पसंद नहीं है, तो डेफिनेटली मैं ये क्या यूज करूंगा? इट्स rather cold. इट्स rather cold. अंडरस्टूड? इट्स क्लियर. लेकिन मान लीजिए अगर जम्मू कश्मीर का आदमी है और वो जम्मू कश्मीर में ही बात करता है तो वो कोल्ड को क्या करेगा? लाइक करेगा. कश्मीर का क्या करेगा? ओह इट्स फेयरली कोल्ड. अंडरस्टूड? लेकिन अगर यहाँ पर बहुत तेज सर्दी पड़ रही है तो हम क्या बोलेंगे? इट्स rather cold. इट्स rather cold. अंडरस्टूड? इट्स क्लियर. तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. इट्स क्लियर. अब देखिए ना, इट इज rather hot. बहुत तेज गर्मी है. इट इज rather ugly. बहुत अगली है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा, इतनी अगली है. इट इज rather awkward. बहुत ही ज्यादा awkward है, बहुत बेहुदापन है. अंडरस्टूड? तो जो जो एडजेक्टिव या जो चीजें हमें पसंद नहीं है उनके साथ rather करते हैं. फिर से मैं आपको बता दूं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन जनरली इसका यही यूज है कि ये नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ ये यूज कहते हैं rather. इट्स क्लियर. हो सकता है कि किसी को हॉट बहुत पसंद हो, अच्छा लगे उसको गर्मी, हाँ मजा आ रहा है गर्मी में, तो फिर आप क्या यूज कर सकते हैं? इट्स फेयरली हॉट. अंडरस्टूड? लेकिन जनरली क्या करते हैं कि rather का यूज वो हमें नेगेटिव जो एडजेक्टिव है, जो एडजेक्टिव हमें पसंद नहीं है उनके साथ rather का यूज करते हैं. अब देखिएगा फेयरली. फेयरली होता है फेवरेबल थिंग और लवेबल थिंग और एडजेक्टिव. फेयरली यूज करते हैं जो लवेबल जिन एडजेक्टिव को, जिन चीजों को पसंद करते हैं उसके साथ फेयरली का यूज करते हैं. देखिएगा फॉर एग्जाम्पल, इन्हीं को मैं चेंज कर देता हूं. नेक्स्ट, इट इज फेयरली कूल. बहुत कूल है. अंडरस्टूड? इट्स फेयरली कूल. मतलब कूल आपको अच्छा लगता है तो आप क्या यूज कर रहे हैं? फेयरली. लेकिन अगर कोल्ड है, फिर कूल और कोल्ड में फर्क होता है, लेकिन अगर कोल्ड है तो आप क्या यूज करोगे? राधर कोल्ड. क्योंकि कोल्ड बहुत कम लोगों को पसंद होगा, बाकी कूल सब पसंद करते हैं. तो क्या कहोगे? इट इज फेयरली कूल. जैसे मान लीजिए, यू आर फेयरली ब्यूटीफुल. अंडरस्टूड? तो हम किसका यूज कर रहे हैं? फेयरली का यूज कर रहे हैं. तो एक आपको मैं समझा दूं, बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जैसे फिर बोलूं, यू आर फेयरली हैंडसम. तो ये सब के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? फेयरली. क्यों? क्योंकि स्पीकर को ये जितने भी एडजेक्टिव है ये सब उसको पसंद है, इसलिए उसने क्या यूज किया? फेयरली. अंडरस्टूड? याद रखिएगा कि rather वो अनफेवरेबल थिंग के साथ और फेयरली फेवरेबल थिंग के साथ यूज किया जाता है. लेकिन कई बार ये परसेप्शन पे डिपेंड करता है और कई बार ये पर्सन टू पर्सन भी वैरी करता है. ओके, लेकिन जनरल रूल इसका यही है. मुझे लगता है कि आपको ये जो छोटा सा जो चैप्टर है वो बहुत ही पसंद आया होगा. और इस तरह से छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे डाउट्स है, मैं आपको अपने स्लाइड के थ्रू, अपने इस वीडियो के थ्रू, अपने इस चैनल के थ्रू क्लियर करता रहूंगा. थैंक यू सो मच. एंड आई होप दैट डेफिनेटली योर कोऑपरेशन विल कंटिन्यू विद मी. थैंक यू. इट इज माय स्ट्रेंथ. ओके, एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो डेफिनेटली इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन. इट विल बी अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी एंड आई विल कंटिन्यू ऑन द पाथ ऑफ माय प्रोग्रेस, ऑन द पाथ ऑफ माय स्टडी. थैंक यू सो much.